हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10 का, या समझ लीजिए क्लास 9 और 10 में ये चैप्टर आप लोगों का है। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर साइंस टेकिंग स्टूडेंट्स जो 11-12 में साइंस लेते हैं। और ऐसे भी ये चैप्टर को आपको परफेक्ट कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। क्या चैप्टर का नाम है? केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपको 9 में भी पढ़ना है अगर आप 9 के स्टूडेंट हो, और 9 से आप 10 में प्रमोट होते हो और 10 में भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या है एक एटम, एक मॉलिक्यूल क्यों बॉन्ड बनाता है, व्हाट इज बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एक मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कैसे टाइप के हो सकते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, कौन से बॉन्ड स्टेबल होते हैं, क्या एटम्स चाहते हैं अपने आप को, बॉन्ड मतलब क्या, एक फ्रेंडशिप टाइप की, एक आप लोग जैसे बोलते हो मेरी उस फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्ड है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो इस बॉन्ड का मतलब क्या, एक अट्रैक्शन, तो इसमें बॉन्ड का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको समझाती हूं कि एक एटम, कोई भी एटम स्टेबलाइज कैसे होता है। कोई भी अगर एक एटम है तो एटम किससे बनता है? एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते? ऑर्बिट्स में घूमते, स्पेसिफाइड डेफिनेट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते। और ये ऑर्बिट्स में जैसे तैसे नहीं घूमते, इनकी एक परफेक्ट फॉर्मूला है कि वो इसी तरह से अरेंज होते हैं। ये पूरा फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर रूल से फिल होते हैं ऑर्बिट्स में। और 2n स्क्वायर रूल से अगर हम लोग जाए, n ऑर्बिट नंबर है, तो पहला ऑर्बिट में अगर 1 पुट करें, n अगर 1 पुट करें तो कितना होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ऑर्बिट नंबर 1 हुआ, 1 1 1 into 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, दैट इज के शेल में। अगर n इक्वल्स टू 2, दैट इज ऑर्बिट नंबर 2, तो ऑर्बिट नंबर में 2 पुट करके देखिए, 2 2 4 4 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे के एल शेल। ऑर्बिट नंबर 3 पुट करके देखिए, 18 इलेक्ट्रॉन एम शेल, मैं 4 शेल तक दिखा रही हूं, 4 हुआ, 4 4 16 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके रूल्स होते हैं ऐसे फिल करने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की बहुत टेंडेंसी है, टेंडेंसी क्या, सभी लोग हम लोग क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल मतलब एकदम परफेक्ट पोजीशन, सब लोग चाहते हैं हम स्टेबल हो जाएं। मान लीजिए आप कहीं बाहर निकले हुए, और जब बाहर निकले तो अचानक से बहुत बारिश हो जाती है, तो आप लोग सब लोग कहाँ भागते हो? शेड में भागते हो कि कोई एक शेड मिल जाए तो कि हम लोग स्टेबिलाइज हो जाएं। तो सारे भागते क्यों हो शेड के पीछे? स्टेबल होने के लिए, सब लोग स्टेबल होने के लिए भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेबल होने के लिए अपने आप को बनते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं 2 केस में, आइदर वो डुप्लेट बन सकता है या ऑक्टेट बन सकता है, या डुप्लेट या ऑक्टेट। डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बहुत खुश है, बहुत स्टेबल है, और ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो बहुत खुश है, वेरी वेरी स्टेबल, ओके। तो दिस इज डुप्लेट एंड दिस इज ऑक्टेट। अब हम लोग अपने बात पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबल है। अब मान लीजिए जिनका इलेक्ट्रॉन्स 2 या 8 पे खत्म नहीं हुआ, जिनका इलेक्ट्रॉन 6 पे खत्म हो गया, कौन सा इलेक्ट्रॉन है ऐसा? तो डुप्लेट ऑक्टेट वाला फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑर्बिट नंबर 4 पर या 5 पर खत्म हो जा रहा है, या 2 पर। मान लीजिए कार्बन है या सोडियम है, कोई भी एटम ले लीजिए, कार्बन 6, 2, 4, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 11 एटॉमिक नंबर, 2, 8, 1। तो इनके लास्ट ऑर्बिट में किसमें कंप्लीट हो रहा है? 4 में, ये 1 में, तो क्या स्टेबल है ये? डुप्लेट और ऑक्टेट हो रहा है? नो, डुप्लेट और ऑक्टेट नहीं हो रहा है ना। तो ये एटम्स क्या करेंगे फिर? ये कैसे ही रहेंगे? अनस्टेबल? नो, अगर अनस्टेबल रहेगा तो ये पूरी कुछ भी चीज स्टेबल नहीं रहेगा। तो इनको ये स्टेबल बनते हैं। अब ये स्टेबल कैसे बनेंगे? ये स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं,
अब इनको स्टेबल बनाना है तो ये सोचते हैं कि हम स्टेबल कैसे बने, तो स्टेबल ये तभी बन सकते हैं अगर इनके नेबरिंग एटम, कोई पास में अगर कोई एटम है जिनको उनको भी कमी है, इसको भी कमी है, तो दोनों जन सोचते हैं कि हम लोग बाय चांस कोई बॉन्ड बना लें जिससे कि उसकी भी कमी दूर हो जाए, हमारी कमी भी दूर हो जाए, तो उससे बनता है बॉन्ड। तो अब आते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है। केमिकल बॉन्ड, व्हाई देयर इज अ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट, केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और आयन्स, मॉलिक्यूल्स, डॉट डॉट। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग के बीच में, उनको स्टेबल होने के लिए, वो एटम्स अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू स्टेबिलाईज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म सम बॉन्ड विद अदर एटम्स, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स इन अ प्ले बिटवीन टू एटम्स। नाउ द पॉइंट कम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट और इन वॉट वे द केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैसे हो सकता है। नाउ देखते हैं, एटम कैन बी स्टेबिलाइज्ड बाय थ्री वेज, तीन वे हो सकता है जिससे वो स्टेबल बन सकता है। पहला वो इलेक्ट्रॉन, पहला क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन, तो देयर कैन बी थ्री वेज बाय विच अ एटम कैन गेट स्टेबिलाइज, एक एटम तीन वे से स्टेबिलाइज हो सकता है, जो आपको आपकी बुक्स में पढ़ाया जाता है। दैट इज द फर्स्ट वे इज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, किससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन्स एक वन एटम विल बी गिविंग एटम एंड अनदर विल बी टेकिंग दैट। ओके, व्हाई द एटम इज गोइंग टू ट्रांसफर अदर एटम, बिकॉज द फर्स्ट वन विच इज गोइंग टू गिव द अदर वन, उसके पास जरूर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस, अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो वो एटम स्टेबल हो जाए। एंड द वन हु वांट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, वो एटम उस एटम को इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है, मींस इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज अगर आपके पास कोई चीज एक्सेस है और किसी के पास नहीं है, तो यू आर गोइंग टू गिव दैट एंड बिकम स्टेबिलाइज, एंड समबडी हु वांट्स दैट एनीथिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलाइज होगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन पर किससे, फ्रॉम, लिख देती हूँ यहाँ समझाएंगे, फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, मेटल टू अ नॉन मेटल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो फ्रॉम अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू अ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर होता है, वो भी समझाऊंगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है। तो ये लिख लो, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ बॉन्ड जिससे स्टेबल हो सकता है, क्या बॉन्ड नाम है, आयनिक बॉन्ड। द सेकेंड वन बी, एक और तरीका है, क्या तरीका, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, यानी तुमको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या फिर मान लो कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मुझे उससे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स शेयरिंग, सेकेंड प्रोसेस इज शेयरिंग, उसको समझाएंगे। तो हम लोग सेकेंड वे लिखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस का नाम है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस, बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट वन आयनिक बॉन्ड, द सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द लास्ट वन सी व्हिच इज डिस्कस्ड इन योर चैप्टर इज द डेटिव बॉन्ड। व्हाट इज डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड
सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा बट शेयर्ड बाय बोथ. इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ. सेकंड में क्या होता, दोनों जन शेयर कर रहा था, एक वो भी उसको दे रहा है ये भी उसको दे रहा है, शेयरिंग. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में आपका एक फ्रेंड साइंस बुक लाया और आप मैथ्स बुक लाए हो, तो उसने कहा यार मैं मैथ्स बुक नहीं लाया, वी आर गोइंग टू शेयर योर मैथ्स बुक इन आवर मैथ्स पीरियड. तो मैथ्स बुक शेयर हुआ, उसकी साइंस बुक ने आप लोग साइंस बुक को शेयर की साइंस के पीरियड में, तो दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपने उसके साथ कुछ शेयर किया तो वो भी आपको कुछ शेयर के लिए दे रहा है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक जन ने दे दिया, ये लो ले लो, मेरे पास दो साइंस की बुक थी, एक तू रख ले एक मैं रख लेता हूँ, ठीक है. तो एक दे के वो उसका अपना वजन हल्का हुआ कि कम हल्का हुआ बैग, उसको भी खुशी हो गई, उसको भी मिल गया. एंड द थर्ड वन, सिर्फ एक जन डोनेट कर रहा है बट शेयर्ड बाय बोथ, दोनों जन शेयर कर रहे हैं. तो हम उसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ, बट शेयर्ड बाय बोथ, बाय बोथ एटम्स, दोनों एटम्स मिलके उसको शेयर करेंगे. उस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे डेटिव बॉन्ड, सी वाले को नाम देंगे डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड. डेटिव या ओवरलैप हो जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो चलिए फटाफट बोलिए तीन बॉन्ड क्या नाम के पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या तीन बॉन्ड पढ़ेंगे. यस, वन इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड. आज इसकी वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द आयनिक बॉन्ड. आज हम लोग आयनिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे एंड द डेटिव बॉन्ड थोड़ा शॉर्ट पोर्शन है. दैट इज आइदर तीन पार्ट्स रहेगी इस वीडियो की या दो पार्ट रहेगी जिसमें आपका पूरा चैप्टर फुल लेंथ चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. प्लीज इस वीडियो को ध्यान दीजिए बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाला चैप्टर है 9, 10 एंड फर्दर आगे भी 11, 12. तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, तीन बॉन्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड का और एक नाम लिखिए इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड. क्या नाम है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड. इस चीज को समझने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं कि यह आयनिक बॉन्ड, नाम छोटा से स्टार्ट करें, इस आयन का मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं. क्लियर, आयन, व्हाट इज एन आयन. आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज होता है उसको हम लोग आयन बोलते हैं. अब ये चार्ज दो टाइप की हो सकती है आयन, आइदर इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिवली चार्ज और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वी आर गोइंग टू टेल दैट इट इज अ कैटायन. व्हाट इज इट, इज कैट आयन, कैट आयन. ठीक है, तो फर्स्ट का लिख लीजिए आप लोग, इसको नाम देंगे कैट आयन. जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है आयन में, जो नेगेटिवली चार्ज है उसको हम लोग नाम देंगे एनायन, एन आयन. तो कैटायन एनायन, कैटायन और एनायन. ठीक है, तो ये आपका आयन हुआ. इस आयन का मतलब समझ गए, यानी इस बॉन्ड में मेरा एक कैटायन रहेगा और एक एनायन रहेगा, दो आयन्स रहेंगे. कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं. इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोग समझ गए हैं आयन, कैटायन और एनायन क्या होता है. इसी से हम लोग बनाएंगे अब आयनिक बॉन्ड. कैटायन और एनायन से हम लोग बनाएंगे आयनिक बॉन्ड. देखिए कैसे बनती है, सपोज ये जो आयनिक बॉन्ड है वो कौन से लोग बनाते हैं,
वो जनरली बनाते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है। कैटायन कौन बनाता है? जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है। और कौन ये बनाते हैं? कैटायन ये बनाते हैं कैटायन। और जिनका लास्ट में 5, 6, 7 में कंप्लीट होता है वो बनता है एनायन, वो बनता है एनायन। क्लियर? अब कैटायन मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको, Na सोडियम और इधर एक क्लोरीन, सोडियम और एक क्लोरीन, इन दोनों का एग्जांपल लेके स्टार्ट कीजिए। ये दो अलग अलग एटम है, सोडियम है क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है Z=11 और क्लोरीन का Z=17। तो Z11 जिसका है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2-8-1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-7। नाउ इसको ऑक्टेट बनना है, इसको भी ऑक्टेट बनना है। तो समझ में ही आ रहा होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन कम। तो इसका एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये चाहता है। द सोडियम क्या है? सोडियम वॉन्ट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड द क्लोरीन वॉन्ट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। वन हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा? -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये सोडियम न्यूट्रल था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो न्यूट्रल अब नहीं रहेगा। न्यूट्रल का मतलब क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट, प्रोटॉन जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एटम। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो वो बन जाएगा सोडियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, प्रोटॉन एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये एटम क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करेगा, गेन यानी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, +1 इलेक्ट्रॉन Cl-, ये लूज किया वो गेन किया। तो अब हम इन लोगों को लिखते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, उस एटम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। और जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जनरली मेटल्स होते हैं और ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो आई बात समझ में? इनकी बॉन्ड कैसे बन रही है? एक गेन करना चाहता है, एक लूज करना चाहता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पॉइंट लिखते जाते हैं 1, 2। ये मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, तो इन लोग लूज करके बॉन्ड बनाएंगे। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की, उन कंडीशन को लिखते हैं। तो कंडीशन क्या है नेक्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं, इसको मैं रब कर रही हूं। कंडीशंस फॉर मेकिंग आयनिक बॉन्ड, कंडीशंस क्या क्या? फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोल दीजिए चाहे मेटल बोल दीजिए, उसकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? दैट मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये वर्ड मैं आपको कर देती हूं सर्कल, अंडरलाइन, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आइए समझते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। कंसेंट्रेशन है तो कंसेंट्रेट कर रहे हैं ना, कहीं और चल तो नहीं रहा दिमाग, पास में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हुआ था या कुछ और नहीं समझ रहे। कंसेंट्रेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है आईपी जिसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि एक एटम में से
मान लीजिए एक एटम है, इस एटम के बाहर सबसे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी जितनी एनर्जी लग रही है, जितनी एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर हो रही है ताकि ये इलेक्ट्रॉन हम लोग इससे निकाल पाए, और निकालने से क्या होगा, गैसियस पॉजिटिव आयन बनेगा। तो दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि जितनी एनर्जी लगेगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। अब जितनी कम एनर्जी लगेगी उतनी अच्छी होगी, हम लोग जबरदस्ती निकाल रहे हैं, बहुत एनर्जी निकल रही है, निकल, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रोसेस, स्टेबल प्रोसेस नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं हम लोग अमाउंट में सोर्स में दे सकते हैं। बट इफ द लो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज देयर, अगर एनर्जी कम लग रही है, द एटम इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए, जैसे सोडियम 2, 8, 1, ये इजीली सोच रहा है कि अरे एक इलेक्ट्रॉन है ले लो, मैं 8 इलेक्ट्रॉन बच के खुश रहूंगा, स्टेबल रहूंगा, तो इसकी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, बापरे बाप, 4 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे 2 डुप्लेट होने के लिए, तो कैंसिल, कार्बन नहीं हो सकता। तो जिसका लास्ट में 1, 2 या 3 होता है, जैसे मैग्नीशियम 2, 8, 2, ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 दे के आराम से ऑक्टेट हो जाएगा। तो जिसकी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन, नाउ हियर कम्स द सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब अब मैं समझाती हूँ, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अंडरलाइन कर दीजिए इस वर्ड को, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्लोरीन लास्ट में किसमें खत्म हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स में खत्म हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, तो +1 इलेक्ट्रॉन करने से इससे कुछ एनर्जी निकलती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक एटम में से एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड। तो ये जो एनर्जी रिलीज्ड है दैट मस्ट बी वेरी लो, जितनी एनर्जी लो रिलीज होगी उतना ही बेटर है। तो एनर्जी रिलीज कब होगी, जब इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, कि हाँ मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एनर्जी कम लूज करेगा। तो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन आपका। अब थर्ड वन, लास्ट थर्ड वन, देयर मस्ट बी लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन रहेगा दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनमें ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहना चाहिए, ह्यूज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहना चाहिए। तो इस लास्ट पॉइंट को समझते हैं, उसके पहले ये 3 पॉइंट मैं रख कर देती हूँ, जिसको नोट डाउन नहीं है वो रिवाइंड करके नोट डाउन कर लो। क्या बोल रहा है कि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहनी चाहिए, यानी मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लीजिए, यूनिवर्सल एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अंडरलाइन कर देती हूँ, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड बॉन्ड,
जो शेयर्ड बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन लेने की सारा दिन टेंडेंसी होनी चाहिए। मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन एक बॉन्ड है, तो इन दोनों में एक की ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि इस बॉन्ड से एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की ऐसी टेंडेंसी है जिससे वो इस बॉन्ड से, इस शेयर्ड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ टानता रहता है, खींचता रहता है और खुद बन जाता है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ये खुद इलेक्ट्रॉन टान लेगा तो सोडियम क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यानी एक की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और दूसरी की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने की, यानी एक ले लिया तो वो डेफिशिएंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए और जितना लार्ज डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ ग्रुप 1 और यहाँ लिखती हूँ ग्रुप 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यानी समझने की बात है। ग्रुप 1 यानी पीरियडिक टेबल का ग्रुप 1 जिसमें आपका नाम आता है। ग्रुप 1 के मेंबर्स कौन कौन है, मेंबर्स हैं ली ना करे रब से पर्याप्त, क्या हुआ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम, ये मिटा दूं। और ग्रुप 17 के नाम है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटी, इतना ही जान लीजिए। इसमें से फ्रांशियम बहुत रेडियोएक्टिव, जितना हम नीचे जाते हैं उतनी ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, नीचे जितना जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता रहता है। और इसमें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यहाँ पे भी डिक्रीज होता है वहां पे भी डिक्रीज होता है, सेम ट्रेंड है। तो इनमें बताइए इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, क्यों फ्लोरीन, ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 2, 7, क्लोरीन 287, ऐसे करके सबका साथ में खत्म हो गया, यानी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन देना है। एटॉमिक नंबर 3, 2, 1, 11, 2, 8, 1, इनको इलेक्ट्रॉन देना है, उनको इलेक्ट्रॉन लेना है। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में इनको हम बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की है और ये वाली ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ फ्लोरीन और इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन हुआ, सीजियम, यहां सीजियम लिखती हूँ मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ फ्लोरीन लिखती हूँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बेस्ट आयनिक कंपाउंड है सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन है, सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कभी आ सकता है कि आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन है, सीजियम फ्लोराइड। तो आपको सब कुछ यहाँ पे आपको कंडीशंस सब कुछ क्लियर हुआ कि आयनिक बॉन्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कंडीशंस क्या क्या है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए उनको, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए, तो उनकी बॉन्ड बहुत स्टेबल होगा और वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये तो बात पक्की। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, याद करो केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, जिसमें से फर्स्ट आपका आयनिक बॉन्ड चलता है। तो अब देखते हैं कि ये लोग बॉन्ड कैसे बनाएंगे, बस एक थोड़ा सा और बाकी है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि मैम सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है कि एटम के बीच में, कोई रिपल्शन बोल के कोई काम नहीं है, यानी कोई दोनों में दुश्मनी नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन ही है, दुश्मनी भी है रिपल्शन भी है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, दोनों के बीच में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रिपल करते हैं, बट रिपल्शन इतना कम है और अट्रैक्शन इतना ज्यादा है
कि अट्रैक्शन रिपल्शन डोमिनेट हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, सॉरी रिपल्शन जो है वो बहुत कम पड़ जाता है अट्रैक्शन के सामने. अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है रिपल्शन के सामने, तो इसलिए वो बॉन्ड बहुत गहरी है. ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल काफी सारे एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड के, मैं यहाँ नाम ले देती हूँ क्या क्या आप लोग को बनाना है. सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सीजियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, डॉट 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 काफी सारे हैं आपके बुक्स में, एक लाइन से बहुत सारे दिए हुए हैं. हम लोग कोई एक एग्जाम्पल उठाते हैं, सोडियम क्लोराइड का ही लेते हैं, यूनिवर्सल एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड. आपको इसका तीन चीज दिखाना पड़ता है. सोडियम क्लोराइड फॉर्मिंग फॉर्म कैसे होता है, हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म दिस NaCl. आपको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉन कैसे लूज होता है और गेन होता है. दूसरा प्रोसेस आपको शो करना पड़ेगा ऑर्बिटल पिक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर यानी ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है और देता है. एंड द थर्ड वन इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर. तो एक एक करके चलते हैं हम लोग, पहले इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर दिखाएं इसका. सोडियम लिख लीजिए, सोडियम 11 2 8 1. सबसे पहले वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाए कि इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. क्लोरीन 17 2 8 7, आपको ये पता है कि इसको एक देना है, इसको एक देना है, इसको एक लेना है इलेक्ट्रॉन. तो आप स्ट्रेट सोडियम लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, -1 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निकालते ही सोडियम बन जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 2+, 3 निकलता तो 3+. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो जा रहा है, 2 कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि 8 कभी भी इलेक्ट्रॉन, वो और फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा. जब ऑक्टेट पहुंच जाएगा वो खुश हो जाएगा. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और खुश हो जाएगा, Cl-. 2 8 8 हो गया और ये भी 2 8 हो गया, खुश खुश. तो इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर कंप्लीट. अब आप लोग के बुक्स में थोड़ा थोड़ा ये भी समझ लीजिए, बहुत छोटा सा समझाया हुआ है कि जिस एटम में, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड एटम. और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन. एक में इलेक्ट्रॉन गेन होता है रिडक्शन, एक में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है. आप लोग ऑक्सीजन को लेकर रिडॉक्स चैप्टर पढ़े होंगे, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर आप फर्दर 11 में पढ़ोगे, रिडॉक्स चैप्टर है. एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है. तो आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन लूज, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्बिटल पिक्चर में. ऑर्बिटल पिक्चर आपको क्या करनी है, तो आपको ये समझ में आई इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर. अब ऑर्बिटल पिक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर में आपको ऑर्बिट्स ड्रॉ करने हैं, बहुत सुंदर से पेंसिल से लेके सुंदर से सोडियम बनाइए. सोडियम के 3 शेल बनाना, 8 1 2 8 और 1. बहुत सुंदर सुंदर बनाने लग जाइए. पहले वाले आपको 2 भरना है, 1 यहाँ 1 यहाँ कर दीजिए. फिर 8 भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर एक भरना इधर रखिए ताकि वो देने के लिए काम आएगा. बन गया. इधर आप बना लीजिए क्लोरीन, 2 8 7. पहले में 2 बना लीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 7 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. नाउ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, तो इधर स्ट्रेट ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रैंग दे दिया. ये इलेक्ट्रॉन देते ही ये क्या बन जाएगा, सोडियम 2 8 हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, 2 8. नीचे लिख देते 2.8. और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, ऊपर वाला मिटा दो क्या, या एक यहाँ छोटा और एक बना देती हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5, 6, 7 और यहां से एक लिया जाओ 8 बन गया, ये भी स्टेबल, ये हो गया माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा 2, 8, 8 तो दोनों स्टेबल 2, 8, 8 और ये 2, 8 एक इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद ये ऑर्बिटल पिक्चर बन गया। क्लियर? तो ऑर्बिटल पिक्चर आपको क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर हुआ, ऑर्बिटल पिक्चर, राइट? लास्ट लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर आपका बच गया। लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर आपको कैसे करेंगे, कर रहे हैं ना ये वाला? नेक्स्ट लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर, दिस वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको आपको कोई भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी उस एटम का लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का पिक्चर शो करना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 2, 8, 8, 8 जो भी हुए, नो, लास्ट इलेक्ट्रॉन का पिक्चर। जैसे सोडियम का लास्ट में क्या है, 1, तो यू हैव टू शो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 2, 8, 7 तो आपको सारे नहीं बनाने, सिर्फ 7 बनाने हैं। कैसे बनाओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इजी है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन दिखाना है कि इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, देगा तो ये खुश हो जाएगा और इसके भी 8 हो जाएंगे, तो ये आपको सोडियम प्लस कर देना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो लिया उसको दिखा दो और इस पर ब्रैकेट डाल दो, ऊपर लिख दो माइनस। दिस इज लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर कि लास्ट पे वैलेंस, लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर क्या, यहां लिख देती हूँ आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पिक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पिक्चर आपको शो करना, पूरा ऑर्बिटल पिक्चर नहीं बनाना। तो ये 3 आपको पढ़ने से NaCl का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब ऐसे आपके पास आयनिक कंपाउंड काफी सारे हैं, बुक निकालिए, एक एक आपको उसको प्रैक्टिस करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? इसके बाद आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, आप एटलीस्ट 4 प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये कुछ कुछ प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में यहां लिख देती हूँ, मैग्नीशियम जिसमें 282, क्लोरीन 287। अब ये देखिए घबराना मत कि इसको 2 देना है, इसको 1 एक्सेप्ट करना है, इसको 2 देना है, इसको 1 एक्सेप्ट करना है। अब क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डोंट वरी, आपके पास 2 क्लोरीन है, एक इसको देगा और एक क्लोरीन है ना, वो कहां लिखोगे आप, एक और क्लोरीन लिखो 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 क्लोरीन भी तो है, ठीक है? तो आप इसका पिक्चर बहुत बढ़िया से बनाओ कि एक मैग्नीशियम यहाँ बनाना, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ऑर्बिटल पिक्चर से एक इलेक्ट्रॉन इसको देना, एक इसको इसको देना। अगर आपको सोडियम क्लोराइड समझ में आ गया होगा तो ये सब भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप जरूर कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं है, मैं जरूर उसका वीडियो डालूंगी ताकि आपको उस चीज की क्लियर हो जाए कि कैसे आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। होप केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट टॉपिक क्यों बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनने से आयनिक बॉन्ड कैसे आया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर हुआ है तो आप जरूर से उस लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग का कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।